कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन से अभी काफी दूर है हिंदुस्तान। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 27.4% हुई। भारत में कंटेनमेंट जोन की रणनीति से हारेगा कोरोना। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर हताशा भरी खबरों के बीच भारत में कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने वाली खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक न्यू इंडिया अभी कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति से काफी दूर है। मैं पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ, और क्या ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, कम्युनिटी की तरफ जा रहा है? कुछ स्टेट से जब हमारे को केसेस टाइम पर रिपोर्ट नहीं हुए, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमने उनको परसुएट किया और उसके तहत ही केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके कारण ही सडनली आप डेथ की संख्या में इंक्रीज आज नोट कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल देश में तेजी से बढ़े कोरोना के मामलों की वजह से उठा है। इससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने माना है कि कोरोना संक्रमण का आंकड़ा इकट्ठा करने में उनसे गलती हुई है। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से जुड़े कई मामले दर्ज नहीं हो पाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की अभी शुरुआत नहीं हुई है और इस बात को हम आपको आंकड़ों से समझाते हैं। लॉकडाउन शुरू होने से पहले मरीजों के दोगुना होने की दर 3.4 दिन थी, जो अब 40 दिन के बाद 12 दिन हो गई है। डबलिंग रेट के साथ कोरोना के संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट भी पहले से काफी सुधरा है। आज देश में 46,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें से लगभग 13,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। तेज रफ्तार से कोरोना मरीजों के ठीक होने की वजह से ये रिकवरी रेट भी 27.45% हो गया है। कोरोना के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार कंटेनमेंट जोन है। अगर किसी जगह कोरोना काफी ज्यादा फैल रहा हो तो स्थानीय प्रशासन ऐसे इलाकों को अपने हिसाब से कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में रख लेता है। लेकिन भारत में कोरोना अब सेना से लेकर पुलिस तक पहुंच गया है। सेना के अब तक 74 जवान कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, हालांकि इसमें से 42 ठीक भी हो गए हैं। ITBP के 45 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के हिंगोली में भी 83 SRPF जवान कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसके अलावा मुंबई के JJ मार्ग पुलिस स्टेशन के 12 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 450 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं, इनमें से 4 पुलिस कर्मचारियों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा CRPF के 155 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। UP के नोएडा में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव मिला है। इन सब के चलते महाराष्ट्र पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है। राज्य में लॉकडाउन तोड़ने पर 18,466 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और 93,731 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपी में लॉकडाउन उल्लंघन पर अब तक 8 लाख से ज्यादा चालान काट कर 15 करोड़ रुपए वसूल लिए गए हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा गाड़ियां सीज कर 37,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए तेलंगाना में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूरे राज्य में शाम 7 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी कहा है कि कोरोना पर हालात नहीं सुधरे तो कॉलेज छात्रों को भी 50% मार्क्स के साथ अगली क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। वहीं स्कूल सेशन शुरू होने में कुछ देरी होने पर CBSE सिलेबस को छोटा भी कर सकती है।